किसानों द्वारा 8 मई को पंजाब में प्रदर्शन किया जाएगा और 10 और 12 मई को दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने आर्मी से और समाजसेवी संस्थाओं से मांग की है कि उन्हें मैन पावर की जरूरत है अपने हॉस्पिटल्स में। नमस्कार, रोशन भवन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम ऐसी न्यूज़ बताएंगे जो आज सुर्खियों में रही है। सबसे पहले जो न्यूज़ रही है वह रही है किसानों को लेकर। सिंधु बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की बैठक हुई है जिसमें विभिन्न जो किसान यूनियंस हैं, देश भर की जो यूनियंस हैं, 32 किसान यूनियंस के नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया है और उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि पंजाब में 8 मई को किसान दुकानदारों के समर्थन में उतरेंगे और दुकानदारों से उम्मीद की जाएगी कि वह दुकान खोलें और जो दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोलेगा उसके साथ किसान खड़े होंगे और यदि प्रशासन उन्हें रोकता है, उनके साथ सख्ती करता है तो किसान उसका विरोध करेंगे। यह फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला, अहम फैसला यह लिया गया है कि 10 मई और 12 मई को किसान पंजाब भर से इकट्ठे होकर जत्थों के रूप में दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। बहुत ही विशेष न्यूज़ है ये, क्योंकि सेकंड फेज चल रहा है कोरोना का, उसके बाद किसान संगठनों द्वारा यह फैसला लिया गया है कि किसान निकलेंगे और दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे। फिर से एक तरह से कहा जा सकता है किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसे एक बार फिर मजबूती देने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। पूर्ण सहयोग की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अहम बात यह है कि पंजाब सरकार अब यह किसान मूवमेंट है जो इसको कैसे रोक पाएगी, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में जो स्थिति है कोरोना को लेकर, उसके बाद किसानों का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद क्या डिसीजन होगा ये देखना गौरतलब रहेगा। यहाँ पर किसानों ने एक बात और साफ कर दी है कि किसानों ने कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से विफल साबित हुई है कोरोना की स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए। ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगा चुका है, सरकार बिल्कुल भी इस स्थिति को हैंडल नहीं कर सकी है। जहाँ किसानों द्वारा यह फैसला लिया गया है, वहीं पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं जो अनिल विज, उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि यदि किसानों के द्वारा कोरोना फैलता है या किसी की मौत कोरोना की वजह से होती है तो इसकी जिम्मेवारी किसानों की होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा आमतौर पर प्रयास किया गया है कि राज्य भर में या किसानों में संगठन में कोशिश की जाए कि वहाँ पर कोरोना के कैंप भी लगाए गए थे, लेकिन किसानों ने वहाँ पर आने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था। किसानों ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया था, किसानों ने टेस्ट करवाने से अपना मना कर दिया था। तो अनिल विज ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि कोरोना की वजह से किसी की डेथ होती है या कुछ भी बीमारी होती है तो इसकी जिम्मेवारी किसानी नेताओं पर होगी। तो यह अहम खबर है जो किसानी आंदोलन को लेकर आई है। दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरी बात आई है मोहाली की तरफ से। मोहाली में दुकानदारों में काफ़ी रोष व्याप्त हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार कौन होती है कि यह डिसीजन ले कि कौन सी चीज़ों की दुकानें हैं जो वो जरूरी हैं और कौन सी गैर जरूरी हैं, क्योंकि कपड़ा है, ज्वेलरी है, वह भी जरूरी है, और जिस तरह से बात हो रही है कि एसेंशियल्स चीज़ें ही खुलेंगी, उसको लेकर दुकानदार काफ़ी रोष में है। उनका कहना है कि काफ़ी परेशानी का सामना उन लोगों को इस समय कर रहा है। वहीं पर शिरोमणि अकाली दल ने भी दुकानदारों का साथ देने की बात की है। जो शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता है प्रोफेसर प्रेमचंद चंदूमाजरा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह दुकानदारों के साथ हैं और किसान सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि इस तरह से लॉकडाउन लगा देगी। अपूर्ण लॉकडाउन कहा जा सकता है इसको, कि कुछ दुकानें खुल रही हैं, रियायतें दी गई हैं, लेकिन कुछ दुकानदारों के साथ या शिक्षण संस्थान हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जो अपनी दुकानदारी या फिर अपने इंस्टीट्यूशन नहीं चलाएंगे तो वह अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, इसको लेकर के। तीसरा यदि हम बात करें तो बात आई है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर सिर्फ बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है देश भर में, लेकिन बीजेपी पंजाब द्वारा सेक्टर 37 चंडीगढ़ में जो बीजेपी कार्यालय है यहाँ पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है, हड़ताल की गई है। इन लोगों का कहना था कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उसके विरोध में कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टियाँ नहीं बोल रही हैं, कोई भी सामने नहीं आ रही है, लेकिन हिंसा हो रही है और इसकी जाँच होनी चाहिए। इसी के समर्थन में चंडीगढ़ भाजपा भी सामने आई है, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, सांकेतिक प्रदर्शन था। कुछ लोगों ने घर पर अपने प्रदर्शन में साथ देने की बात कही है, घर पर रहकर, और इनका भी यही कहना था कि जो भी पश्चिम बंगाल में हुआ है उस पर शीघ्र फैसला होना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ये थी उसको लेकर के जो पश्चिम बंगाल की बात है उसको लेकर के। वहीं पर एक अहम खबर आई है हरियाणा से। हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि किसी बच्चे को जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो भी
हरियाणा के स्कूलों में उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। यदि कोई प्राइवेट स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल या कोई भी स्कूल उन किसी बच्चे को लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देते, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो भी उनका एडमिशन होगा। और शिक्षा मंत्री ने यह भी उम्मीद जताई है कि पिछली बार की तुलना में इस बार सरकारी स्कूलों में ज़्यादा बच्चे आएंगे, ज़्यादा का एडमिशन हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बात साफ कर दी है, जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है वो बच्चे को देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए वो थोड़ा समय ले सकता है, बाद में अपने अन्य स्कूल से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेकर के फिर दे सकता है। जिस तरह से महामारी चली है तो कोई दबाव नहीं डाला जाएगा बच्चों पर कि वह अभी ऑन द स्पॉट स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लाएं और उसके बाद आप एडमिशन लेंगे। लेकिन एडमिशन हो जाएगा, आप पढ़ाई करिए और बाद में जब कुछ स्थिति कंट्रोल में आएगी उसके बाद आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ला सकते हैं और अपने स्कूल में जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह से बातें चल रही थी। एक और जो अहम न्यूज़ रह गई है, खबर रह गई है, वो है प्रवासियों की, जिनका प्लान लगातार जारी है। हरियाणा में लॉकडाउन लग गया है तो प्रवासियों का कहना है कि पिछली बार उनके साथ भूखे मरने की नौबत आई थी, सरकार कुछ मदद नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार इस वह ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना चाहते हैं, इसलिए वह पलायन करने को मजबूर हैं। और एक और जो खबर आ रही है उसमें ऐसा है कि जो फैक्ट्री हैं, जो दुकानें हैं, उनमें कई कामगार हैं, मजदूर हैं या ड्राइवर हैं, वह बेरोजगार हो चुके हैं। वह कह रहे हैं कि वह अपना भरण पोषण अपने बीवी बच्चों का या फिर अपने परिवार का कैसे पालन करेंगे। सबसे अहम बात है, चंडीगढ़ प्रशासन हो या पंजाब गवर्नमेंट है या हरियाणा गवर्नमेंट है, सबने ये कहा था कि आप अपने कार्यालय में 50% मैन पावर के साथ काम कीजिए। लेकिन हो ये रहा है कि इस समय जो बड़े बड़े घराने हैं, फैक्ट्री हैं या दुकानें हैं या इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने क्या किया है कि 50% जो कामगार हैं या जो काम करने वाले लोग हैं या मजदूर हैं, उनको छुट्टी दे दी, निकाल दिया है, अपने काम से ही निकाल दिया है। ये बहुत ही बड़े कह सकते हैं इसके कि दुखद समाचार है जिस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि अब वो लोग बेरोजगारी की कगार पर हैं और काम है नहीं है, फैक्ट्रियों में काम नहीं है, कामगार मजदूरों का ये भी कहना है। साथ साथ ड्राइवर्स वो भी बेरोजगार होने की कगार पर है। ड्राइवर्स का कहना है कि वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, कई स्टेट्स में अब इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, जब वह जाते हैं एंट्री पॉइंट पर उन्हें परेशान किया जाता है, तो काम बिल्कुल ना होने की कगार पर है, जिसको लेकर काफ़ी परेशान है और घर पर बैठना पड़ रहा है, अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे ये सोचना, मुझे लगता है प्रशासन और सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइन बात है कि जिस जब जब जो ड्राइवर्स हैं वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, या मजदूर है तो कैसे काम चलेगा। तो ये कुछ विशेष। और सेक्टर 22 की बात करें तो यहाँ पर फिर से चंडीगढ़ प्रशासन का ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है, जब लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं की जा रही थी, तो उनके चालान काटे गए हैं सेक्टर 22 चंडीगढ़ की मार्केट में। और दूसरा एक और जो मेन मुख्य खबर रही है, चंडीगढ़ प्रशासन ने आर्मी से और कई समाजसेवी संस्थाओं से मैन पावर के लिए भी अपील की है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कहा गया है कि ये जो उनके हॉस्पिटल्स हैं उसमें मैन पावर की लगातार कमी होती जा रही है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी कमी है, यदि आर्मी उनको मदद करती है, जिस तरह से पटियाला के हॉस्पिटल में आर्मी द्वारा मदद की जा रही है, मैन पावर को दिया गया है, उसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन भी चाह रहा है कि आर्मी चंडीगढ़ प्रशासन को कुछ मदद करे आर्मी मैन पावर के रूप में, ताकि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी कमी को पूरा किया जा सके। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आपके समक्ष आए हैं, कुछ ब्रीफ करने की कोशिश की है आपको, ताकि अपडेट किया जा सके कि किस तरह से क्या सिचुएशन चली है। तो कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो मुख्य खबर यही है कि सिंधु बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की बैठक हुई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि 8 मई को पंजाब में किसान सड़कों पर उतरेंगे और 10 और 12 मई को सभी किसान जत्थों के रूप में सिंधु बॉर्डर और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दूसरी खबर, प्रोटोकॉल कोरोना प्रोटोकॉल के लिए सख्ती बरतनी लगातार जारी है, वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी। तो ये मुख्य खबरें हैं। और चंदू माजरा जो शिरोमणि अकाली दल है वह भी दुकानदारों के समर्थन में आई है पंजाब में, ये मुख्य रहा। तो ऐसी ही कुछ खबरों के साथ आपसे मिलने का मौका मिला, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।